हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस और सीसेट पेपर 2 प्रीवियस ईयर सीरीज के अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मेंसुरेशन एंड ज्योमेट्री। यस, मेंसुरेशन और ज्योमेट्री पे जो क्वेश्चन पूछे गए थे आज हम वो डिस्कस करेंगे। दोनों को मैं इसलिए कंसिडर कर रही हूँ क्योंकि काफी कम क्वेश्चन आए थे। ज्योमेट्री के तो 2016 में एक क्वेश्चन था, एक 17 में था, ठीक है ना। इसके अलावा ज्योमेट्री पे अभी आजकल कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, दैट मींस कि कोई इंपॉर्टेंट नहीं बन रहा। यू कैन स्किप दिस पार्ट, ओके। अगर हम मेंसुरेशन की बात करें तो मेंसुरेशन में से क्वेश्चन एग्जाम में आ ही जाता है। अभी 2020 के अंदर भी दो क्वेश्चन मेंसुरेशन पे बेस्ड थे। तो मेंसुरेशन इंपॉर्टेंट बनता है, ज्योमेट्री इंपॉर्टेंट नहीं बनता है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो स्किप कर सकते हो। जो लेवल है, लेवल ऑफ क्वेश्चन इज वेरी इजी। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं मेंसुरेशन पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे पूछे गए थे। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। थोड़ा सा अगर हम ध्यान से आज की वीडियो को देखेंगे तो वहीं से हमें आइडिया हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आए हुए और कितना हमने उसके लिए प्रिपेयर करना है, ओके। यस, तो यहां पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे जो कि 2016 के अंदर आया हुआ था। क्या है क्वेश्चन? ए पीस ऑफ टिन इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल हैविंग लेंथ 12 सेंटीमीटर एंड विड्थ 8 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगल है, टिन का पीस है, ठीक है। वो रेक्टेंगल के फॉर्म है के अंदर है जिसकी लेंथ है 12 सेंटीमीटर और विड्थ है 8 सेंटीमीटर, ओके। नाउ द क्वेश्चन इज कि दिस इज यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट ए क्लोज्ड क्यूब। इससे क्या बनाया गया? एक क्यूब बनाया गया। द साइड ऑफ द क्यूब इज, आपको क्यूब की साइड फाइंड आउट करनी है। तो अब देखो, जब ये रेक्टेंगुलर शेप है उस टाइम पे अगर हम इसके एरिया की बात करें तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? हाँ जी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल सभी को पता है, बिल्कुल इजी है। क्या? लेंथ इनटू ब्रेथ। दैट मींस कि यहां पे आ जाएगा अपने पास में 12 into 8, ओके। अब अगर इसी से एक क्यूब जनरेट किया गया, इन दैट केस अगर हम क्यूब कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो क्यूब का जो सरफेस एरिया होगा, क्यूब का जो टोटल सरफेस एरिया होगा, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, ओके। तो अगर हम सरफेस एरिया की बात करें, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ये कितना होता है? 6a square। और अभी मैंने आपको बताया कि दोनों क्या होंगे? इक्वल, क्योंकि इसी से ही तो क्यूब बनाया गया है ना। तो यहाँ पे ये 6a square जो है दैट इज इक्वल टू 12 into 8, ओके, क्लियर। तो ये हो जाएगा आपके पास में 2a square इज इक्वल टू 16। दैट मीन्स कि a इज इक्वल टू 4। दैट मीन्स कि जो क्यूब कंस्ट्रक्ट किया जाएगा बाई यूजिंग दिस रेक्टेंगल तो उसकी साइड क्या होगी? 4 सेंटीमीटर। सो आंसर विल बी सी, 4 सेंटीमीटर, ओके, क्लियर। सिंपल क्वेश्चन था, अब आप यहाँ पे देख सकते हो कितना इजी लेवल है, ठीक है। सिंपल से दो फॉर्मूला यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, क्या? एरिया ऑफ द रेक्टेंगल एंड सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, एंड दीज आर वेरी इजी, ओके। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2016 का ही क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो क्या है, कह रहा है ए सिलेंड्रिकल ओवरहेडेड टैंक ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर एंड हाइट 7 मीटर, दिस इज नॉट इन सेंटीमीटर, दिस इज इन मीटर, ओके, टू बी फिल्ड फ्रॉम ए अंडरग्राउंड टैंक ऑफ साइज 5.5 मीटर इंटू 4 मीटर इंटू 6 मीटर। हाउ मच पोर्शन ऑफ द अंडरग्राउंड टैंक इज स्टिल फिल्ड विद वाटर आफ्टर फिलिंग द ओवरहेड टैंक कंप्लीटली। अब देखो, एक अंडरग्राउंड वाटर टैंक है तो उसका हमारे पास में डायमेंशन गिवन है, ठीक है। डायमेंशन गिवन है, दैट मीन्स कि हम यहां से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो यहाँ पे आपके पास में अंडरग्राउंड टैंक है उस टैंक से हमने क्या करना है, जो एक सिलेंड्रिकल ओवरहेड टैंक है उसको फिल करना है, ओके। अब यहाँ पे फिल करना है तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो अंडरग्राउंड टैंक है उसके अंदर कितना वाटर आ सकता है और जो सिलेंड्रिकल ओवरहेड टैंक है उसके अंदर कितना वाटर आ सकता है। दैट मीन्स व्हाट, कि हमें किसकी जरूरत है? जो भी अपने पास जो मेंसुरेशन वाले क्वेश्चन आते ना तो उसके अंदर जो मेन पॉइंट है वो ये हमें पता होना चाहिए कि मुझे कहाँ पे वॉल्यूम चाहिए, कहाँ पे मुझे एरिया चाहिए, ठीक है ना। तो ये सब हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जब भी बात आती है कि किसी भी थ्री डायमेंशनल शेप के अंदर क्या आएगा, मींस कंटेंड इन दैट केस यू विल टेक वॉल्यूम, ओके। तो यहां पे क्या लेंगे हम? वॉल्यूम। तो अगर हम वॉल्यूम की बात करें कि जो हमारे पास में वॉल्यूम ऑफ ओवरहेड टैंक है, जो ओवरहेड टैंक है उसका वॉल्यूम क्या होगा, मींस उसके अंदर कितना वाटर आ सकता है, कितना वाटर आ सकता है उसके वॉल्यूम के बराबर हो, वो हमें पहले पता होना चाहिए कि कैसी शेप का टैंक है, दैट इज ए सिलेंड्रिकल टैंक। और सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, ओके,
अब यहाँ पे पाई हो गया आपके पास में 22/7। आर क्या गिवन है आपके पास? 2 मीटर। और हाइट गिवन है आपके पास में 7। दैट मीन्स दिस इज 88। यस क्लियर। हाँ जी, 88 मीटर क्यूब आ गया। इतना क्यूबिक मीटर वाटर इसके अंदर आ सकता है। क्लियर। अब हम बात करते हैं जो हमारे पास में अंडरग्राउंड टैंक है। अब अंडरग्राउंड टैंक जो है वो क्या है आपके पास? क्यूबॉइड शेप का है। तो वॉल्यूम ऑफ अंडरग्राउंड टैंक अगर मैं देखूं, यस, अंडरग्राउंड टैंक का वॉल्यूम क्या होगा? जब आपके पास क्यूबॉइड शेप है तो उसका वॉल्यूम क्या होता है? हाँ जी, लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट। तो यहां पे आपके पास में क्या हो जाएगा? 5.5 × 4 × 6। ओके, ये आपके पास हो गया जी 10। क्लियर। तो ये हो जाएगा 132 क्यूबिक मीटर। डन। अब ये कह रहा है कि अब इस अंडरग्राउंड टैंक से जो ओवरहेडेड टैंक है उसको फिल कर लिया। फिल करने के बाद में कह रहा है कि बताओ, क्या बताओ कि अभी भी जो अंडरग्राउंड टैंक है उसके अंदर कितना पोर्शन बचा हुआ है वाटर का? यस, हाउ मच पोर्शन ऑफ अंडरग्राउंड टैंक इज स्टिल फिल्ड विद वाटर। अभी भी भरा हुआ कितना बचा हुआ है? तो हम देखेंगे कि हाँ जी कितना खाली हो गया। यस, तो कितना खाली हो गया? एम्प्टी कितना हो गया है वो? उसमें से हम इसको माइनस कर देंगे। 132 माइनस 82 बाहर निकाल लिया। ठीक है, दैट मींस कि उसके अंदर अभी है कितना? ये हो जाएगा आपके पास में 44। अब यहां पे इतना खाली, इतना जो है उसके अंदर बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट है। ठीक है, इसके अंदर से हमने एम्प्टी क्या कर लिया? कितना कर लिया? 88 मीट्रिक टन जो है क्यूब, हमने 88 मीटर क्यूब वाटर बाहर निकाल लिया। जो बाहर निकाला वो किसमें चला गया? सिलेंड्रिकल ओवरहेड टैंक को हमने फिल कर लिया। तो अब उसके अंदर कितना वाटर बचा? 44। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या? हाउ मच पोर्शन किसका? अंडरग्राउंड टैंक का। तो कितना पोर्शन बचा है हमारे पास में? कितना बचा? 44 डिवाइडेड बाई जो अंडरग्राउंड टैंक है उसकी कैपेसिटी। सो दिस इज इक्वल टू 1/3। ओके, सो आंसर विल बी 1/3। ओके, क्लियर है? सिंपल क्वेश्चन था। जस्ट आपको लैंग्वेज समझनी है क्वेश्चन की, कि यहां पे आपके पास गिवन क्या है। ठीक है, गिवन क्या है और आपसे क्या क्वेश्चन यहां पे पुट किया गया है। ओके, यस, नेक्स्ट देखिए। जस्ट लॉजिकल क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल लॉजिकल क्वेश्चन है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी इज ए वर्टिकल ट्रंक ऑफ ए ह्यूज ट्री विद ए बीइंग द पॉइंट वेयर द बेस ऑफ द ट्रंक टचेज द ग्राउंड। एक आपके पास में ये ट्री है, ये इसका बेस है। ठीक है, अब ये जो है ये अंडरग्राउंड यहाँ पे ट्रंक पे है। ठीक है, अब यहाँ पे आगे क्या है? ड्यू टू ए साइक्लोन द ट्रंक हैज बीन ब्रोकन एट सी विच इज एट ए हाइट ऑफ 12 मीटर। यहां से 12 मीटर की हाइट के ऊपर यहाँ पे एक पॉइंट है सी, कह रहा है यहां से साइक्लोन की वजह से वो टूट गया। अब एक सिंपल सी बात है, अगर मान लो मेरे जैसे मान लो ये ट्री है, अगर ये यहां से टूट गया तो उस केस में क्या होगा? ये ऐसे नीचे आ जाएगा, ये वाला पार्ट ऐसे नीचे गिर जाएगा। तो ये यही कह रहा है कि देखो, सी विच इज एट ए हाइट ऑफ 12 मीटर, ब्रोकन पार्ट इज पार्शियली अटैच टू द वर्टिकल पोर्शन। थोड़ा सा तो यहां से अटैच है, ठीक है, और बाकी का क्या कह रहा है? वर्टिकल पोर्शन ऑफ द ट्रंक एट सी इफ द एंड ऑफ द ब्रोकन पार्ट, ये जब टूटेगा तो ये वाला हिस्सा ऐसे नीचे आएगा, नीचे आएगा तो कह रहा है कि ये यहाँ पे कहाँ पे जुड़ गया है? यहाँ पे आ गया। क्लियर, यही कह रहा है कि यहां से ब्रोकन पार्ट टच द ग्राउंड एट डी, डी पोर्शन विच इज एट डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर, दिस इज ऑफ 5 मीटर। ओके, क्लियर, यही है। देन द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द ट्रंक इज, ट्रंक की ओरिजिनल लेंथ क्या थी? अब जैसे सिंपल सी बात है, ये क्वेश्चन मेंशुरेशन के अंदर आप कंसीडर नहीं कर सकते, सिंपल ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, या इसको सिंपल ये लगा लो कि हाइट एंड डिस्टेंस इज बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, इसको मैंने इसके क्लास के अंदर ही इसके अंदर कवर किया है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो क्या है, अगर हम देख रहे हैं कि हाँ जी ये यहाँ से टूट के यहाँ पे गिर गया, तो उस केस के अंदर हमें हाइट पता है, बेस पता है, हाइट पता है, बेस पता है, यू कैन फाइंड आउट दिस डायगोनल, हाइपोटेन्यूज आप फाइंड आउट कर सकते हो पाइथागोरस थ्योरम से। तो यहाँ पे अगर हम सीडी की बात करें तो सीडी क्या हो जाएगा? हाँ जी,
एसी स्क्वायर प्लस एडी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, दिस इज 169 का स्क्वायर रूट, तो ये कितनी वैल्यू आ गया आपके पास में 30। अब ये देखो जो ये वाला जो हिस्सा है ये है क्या फाइनली तो ये बीसी ही है। पहले ये ऐसे सीधा था, जब टूट के गिर गया अब ऐसे डायगोनली चला गया। दैट मींस कि जो ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्रंक है, हाइट ऑफ ट्रंक क्या हो जाएगी, हाँ जी 12 तो ये है। दैट मींस कि ये वाला हिस्सा कौन सा, यही तो है, यही तो टूट के नीचे गिरा है, तो ये कितना है हमारे पास में 13। दैट मींस कि 12 प्लस 13 दिस इज 25। ओके, सो आंसर विल बी बी 25 मीटर। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कितना इजी क्वेश्चन आता है, मींस कि हमें छोटे छोटे बेसिक पॉइंट्स पता होने चाहिए और कुछ नहीं है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को रीड करो एग्जाम के अंदर कि हाँ कैसा क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि बिल्कुल ये एक बेसिक क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, टू वॉल्स एंड ए सीलिंग ऑफ ए रूम मीट एट राइट एंगल एट ए पॉइंट पी। दो वॉल है और एक सीलिंग है। अब यहाँ पे सिंपल जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो थोड़ा सा इमेजिन करके चलना है हमने। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि दो दीवार है। अब सिंपल अपने रूम को देखो आप, ठीक है। अब रूम के अंदर आप देखो कि जो रूम का ऊपर जो कॉर्नर है, कॉर्नर किसी भी एक कॉर्नर पे थोड़ा सा हमने फोकस करना है कि जो कॉर्नर है, कॉर्नर पे क्या हो रहा है, दो दीवारें मिल रही हैं और रूफ है। ठीक है, क्लियर। मींस कि जो हमारी सीलिंग है, हाँ जी, यहाँ पे जो अपने पास में रूफ नहीं है, सॉरी सीलिंग है, सीलिंग है और यहाँ पे आपके पास में दो दीवारें हैं तो वो मिल रही है ना। तो यहाँ पे देखो आप कॉर्नर अपने घर का, कोई भी जिस भी रूम में आप बैठे हो एक बार थोड़ा सा फोकस करके देखना, अभी क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे यही कह रहा है कि टू वॉल्स एंड ए सीलिंग ऑफ रूम मीट एट राइट एंगल और पॉइंट पी। मान लेते हैं हम इस पी पॉइंट के ऊपर ये ऐसे मिल रही है। ओके, और ये हमारे घर के या अपने रूम का क्या है, एक कॉर्नर है। सिंपल सी बात है। अब रूम कैसी शेप है, थ्री डायमेंशनल शेप है और इसके अंदर उसको हम क्यूबॉइड की फॉर्म में ले सकते हैं। अब आगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ वो हम देखते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है ए फ्लाई इज एट, फ्लाई इज इन द एयर 1 मीटर फ्रॉम वन वॉल। एक वॉल से कहा है 1 मीटर की दूरी पे है, ठीक है जी, एंड वन वॉल एंड 8 मीटर फ्रॉम द अदर, और दूसरी से कितनी है 8 है। मान लेते हैं कि यहाँ पे ये 8 है, डन। अब यहाँ पे आगे क्या गिवन है, एंड 9 मीटर फ्रॉम द पॉइंट पी, और जो पी पॉइंट है उससे कितनी है 9। मींस कि यहां से अगर हम देखें इसको तो ये कितनी है, कह रहा है कि ये 8 है। ठीक है, यहां से अगर हम देखें तो ये 1 है और ये कितना है 9 है। ठीक, अब यहाँ पे माइंड में आता है आपके सीधा सा, क्योंकि अभी हमने पाइथागोरस बेस्ड क्वेश्चन किया है राइट एंगल ट्राइंगल पे, कि हाँ जी ये तो मैडम ऐसे तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये 8 है, ये 1 है और ये 9। तो यहाँ पे ध्यान रखो थ्री डायमेंशनल शेप है, ये प्लेन में नहीं है, प्लेन में नहीं है, ये क्या है, हाँ जी स्पेस के अंदर थ्री डायमेंशनल शेप है, एक पॉइंट है। मीन्स की दिस इज द, आप ये कह सकते हो दिस इज द डायगोनल ऑफ ए क्यूबॉइड। ठीक है ना, हाँ जी, और आपको मैं समझाने के लिए बता दूं, जैसे फॉर एग्जांपल हम ये मान के चले कि एक रूम है, ठीक है। अब उस रूम के अंदर हम कहते हैं कि हाँ जी हमने कोई ना एक रोड रखनी है डायगोनली, ठीक है। डायगोनली रखोगे तो आप देखो कि जो एक कॉर्नर है वो तो आपकी छत वाला जो कॉर्नर है उसके साथ में जाएगा, और उसका जो दूसरा पॉइंट है वो कहां पे लगेगा, आपके फर्श वाले कॉर्नर के साथ में लगेगा। दैट मींस कि क्लियर है, दैट मींस कि जो दीवार के साथ का जो डायगोनल बन रहा है हमारे पास में, जो टू डायमेंशनल डायगोनल है वो नहीं है, ये क्या है थ्री डायमेंशनल शेप का डायगोनल चलेगा। और इसकी वैल्यू क्या होती है, हाँ जी डायमेंशनल जो ये अपना जो डायगोनल है इसकी वैल्यू क्या होती है, हाँ जी ये होता है आपके पास में, ये क्या होता है जो आपकी थ्री साइड्स है, ठीक है ना, लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है, डन। तो अब यहां पे देखो गिवन क्या है हमारे पास में, तो यहां पे भी यही हो रहा है कि ये जो है ना हमारे पास में एक तरह से क्यूबॉइड की शेप बन गई है, और उसके अंदर ये जो हमारा डायगोनल है ये हमें गिवन है कि ये 9 मीटर है फ्रॉम द पॉइंट पी,
ठीक है, पी से कहीं 9 मीटर है। तो अब आप इसको पूरा रोम कंसीडर ना करके आप ये ले सकते हो कि हाँ जी एक क्यूबॉइड बन गया, जहां पे वो फ्लाई है वहां से आप उसकी लेंथ विड्थ और हाइट को कंसीडर करके चलते हो, तो उस केस के अंदर अपने पास में क्यूबॉइड बन जाएगा और क्यूबॉइड का डायगोनल हमें गिवन है कितना 9। ठीक है, दो एक और मेथड दोनों से बताते हैं, पहले इससे समझो, आई थिंक ये इजी है। ठीक है, तो अब यहां पे डायगोनल कितना है 9, लेंथ यहां पे अगर हम ये कंसीडर करके चलें दिस इज 1 स्क्वायर। ठीक है, अब दूसरा जो है 8 स्क्वायर, और वो कह रहा है कि हाँ जी जो सीलिंग है सीलिंग से कितनी दूरी पे है, दैट मीन्स कि हमें उसकी हाइट फाइंड आउट करनी है, दिस इज एच स्क्वायर। ओके, सो दिस विल बी 1 + 64 प्लस एच स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 81। सो एच स्क्वायर कितना आ गया आपके पास 81 - 65। ओके, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास में, इतना ही आ जाएगा ना ये, तो ये हो जाएगा 11 से ये हो जाएगा 6। ठीक है, तो अब हम अगर एच की वैल्यू देखें तो एच कितना हो गया आपके पास में 4। ओके, सो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास में 4 आ जाएगा। डन, हाँ जी दिखाई नहीं दे रहा, एक सेकेंड थोड़ा सा इसको सेट कर देते हैं, और जस्ट यस अभी क्लियर है, हाँ जी अभी क्लियर है। क्या है यहाँ पे हमने क्या लिया है, देखो कि ये देखिए हमने इसको 3D शेप की तरह कंसीडर किया है कि फ्लाई हमारी कहीं पे बीच में है, किसी छत के एक कॉर्नर से बीच में। ठीक है, अब वहां से दोनों जो वॉल्स हैं उसकी लेंथ गिवन है कि वहां से कितनी कितनी दूरी पे है, और हमने फाइंड आउट करना है कि उस सीलिंग के साथ में कितनी दूरी पे है। ठीक है, ये हमने फाइंड आउट करना है, तो हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि जो फ्लाई का उस कॉर्नर से डिस्टेंस गिवन है, पी पॉइंट से जो डिस्टेंस गिवन है, दैट इज द डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड, दैट इज द डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड, और लेंथ ब्रेड्थ हमें गिवन है कि हाँ जी कितनी कितनी दूरी पे, तो इसका फॉर्मूला ये होता है। तो ये इसको जब हमने अप्लाई किया तो अपने पास में वैल्यू आ गई। ठीक है, अब अगर हम वैसे देखें तो अगर मान लो हम प्लेन की बात करते हैं 3D की, ठीक है, तो ये देखो मान लीजिए ये अपने पास में पॉइंट है, हाँ जी इस तरह से मान लीजिए ये अपने पास में पॉइंट है पी, और ये वैल्यू क्या है अपने पास में 0 0 0। अब प्लेन के अंदर वैल्यू क्या गिवन है आपके पास में, ये कह रहा है कि यहां से हमारे पास में कितनी दूरी पे है ये 1 मीटर की पे, यहां से अगर हम देखें तो ये कितना है 8, और जहां पे ये प्लेन के अंदर थर्ड पॉइंट पे है वहां पे ये कह रहा है कितना है ये 9 है, दिस इज 9। क्लियर, तो अब यहाँ पे ये वैल्यू कैसे निकालते होते हैं, ये वैल्यू हम अगर हम 3D के अंदर ज्योमेट्री में वैल्यू निकालने तो कैसे निकालते हैं हम, x - x - x1 का होल स्क्वायर प्लस y - y1 का होल स्क्वायर प्लस z - z1 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, दिस इज द पॉइंट। क्लियर, हाँ जी अगर हमने ये निकालना, और ये किसके इक्वल गिवन है, ये 9 के इक्वल गिवन है, इसको अभी इरेज कर देते हैं, डन, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट 9, ये हमारे पास गिवन है। अब यहाँ पे देखो कि ये हमें वैल्यू कितनी है हमारे पास में 1 है, सो 0 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 8 का होल स्क्वायर प्लस 0 - z का होल स्क्वायर, z यहाँ पे अपने पास में जो वैल्यू है हमें नहीं पता, एंड दिस इज इक्वल टू, अगर हम इस स्क्वायर रूट को रिमूव करते हैं तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में 81, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दिस इज 1 + 64 प्लस यू कैन से z1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 81, अगेन वही वैल्यू आ गई, z1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 81 - 65, तो ये अपने पास में वैल्यू क्या आ जाएगी z की यहाँ पे 4 आ जाएगी। क्लियर, सो आंसर अगेन इज 4। तो जैसे आप लोगों को लगता है कि हाँ जी मुझे पॉइंट क्लियर है, मुझे ज्यादा इजीली समझ आ रहा है, अब वैसे हाँ जी ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर है अपने को, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है देयर आर 24 इक्वली स्पेस्ड पॉइंट्स लाइंग ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल है उसकी सर्कमफेरेंस पे 24
24 पॉइंट्स हैं, बट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स दैट कैन बी ड्रॉन बाय टेकिंग सेट ऑफ 3 पॉइंट्स एज द वर्टिसेस। यस, दिस इज द क्वेश्चन। अब देखो, टोटल अगर हम सर्कल की बात करें तो ये इसकी सर्कमफ्रेंस पे, हाँ जी, सर्कमफ्रेंस पे कह रहा है कि कितने पॉइंट्स है, 24 पॉइंट्स है, ठीक है। इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे है, कितने हैं, 24 पॉइंट्स कह रहा है इस तरह से, कितने हैं, 24 पॉइंट्स है। अगर हम सर्कल से देखें तो यहां पे जो एंगल बनता है अपने पास टोटल, दिस एंगल इज 360 डिग्री, और अगर हम यहां पे हर एक पॉइंट को फाइंड आउट करें तो हमारे पास में जो एंगल है, एंगल क्या आ जाएगा हर एक पॉइंट से। यस, अगर मैंने ये एंगल फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे आपके पास में जो थीटा है, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस इज 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 24 पॉइंट्स है ना, तो इसलिए मैंने क्या किया, 24 से इसको डिवाइड कर दिया, एंड दिस इज 15 डिग्री। क्लियर। अब ये यहाँ पे देखो, आगे क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स दैट कैन बी ड्रॉन बाय टेकिंग सेट ऑफ 3 पॉइंट्स एट द वर्टिसेस। हाँ जी, 3 पॉइंट्स एट द वर्टिसेस यहाँ पे गिवन है, तो यहाँ पे एक पॉइंट जो है समझने वाला, वो क्या है कि आपके पास में इक्विलेटरल ट्रायंगल कह रहा है, क्या कह रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल दैट कैन बी ड्रॉन बाय टेकिंग सेट ऑफ 3 पॉइंट्स एट द वर्टिसेस। अब यहीं पे अगर क्वेश्चन होता कि हाँ जी ये कितने अपने पास में ट्रायंगल बनेंगे, तो सिंपल यहीं पे अपने पास में कितना आ जाता है, 360 डिग्री टोटल है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो अपने पास में डायरेक्टली हर एक के साथ में तरह से करके ट्रायंगल बन जाते हैं, बट यहाँ पे हमारे पास में क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का आपको पता होना चाहिए कि जो टू कंसेक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल सबटेंडेड एट द एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर। यस, कितने डिग्री पे होता है, 120 डिग्री पे सबटेंडेड होता है। ओके, दैट मींस कि अगर हम इक्विलेटरल ट्रायंगल देखें कि कितने हैं, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल कितने बनेंगे, हाँ जी कितने बनेंगे, 120 डिग्री पे सबटेंड करते हैं तो 120 डिवाइडेड बाय 15, दैट मींस कि हो जाएगा 15 × 8 = 120, 8 आंसर आ जाएगा। हाँ जी, क्लियर, बोलो इसके अंदर किसी को कोई भी डाउट, बिल्कुल क्लियर है। यस, नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था। हमने क्या किया, सबसे पहले तो ये एंगल फाइंड आउट किया 360 डिग्री से, जितने भी हमारे पास में पॉइंट्स गिवन थे उससे हमने एंगल फाइंड आउट कर लिया। अब हमें पता है जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल से अगर हम सेंटर पे देखें कि हाँ जी टू एजेस में एंगल पे सबटेंड कर रहा है, दैट इज अ 120 डिग्री, दैट इसलिए हमने क्या करा, इसको 120 डिग्री बाई 15 इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। ओके, यस, क्लियर, यस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए स्क्वायर एंड ए सर्कल इज टू। एक स्क्वायर और एक सर्कल के बीच में मिनिमम इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट कितने हैं, कह रहा है कि 2 है। तो अब देखो, एक सर्कल है, ठीक है, और एक स्क्वायर है, अब बताओ कितने पॉइंट्स है इंटरसेक्शन का, कोई पॉइंट नहीं है, कितना है, 0, दैट मींस कि मिनिमम कितने पॉइंट है, 0। ऐसा भी तो हो सकता है ये सर्कल है, ठीक है, और यहां पे अगर हम देखें कि यहां से ये कोई स्क्वायर है, जस्ट अ मिनट, ये स्क्वायर है अपने पास में और यहां पे एक सर्कल है, अब कितना इंटरसेक्शन पॉइंट, 1 है, और ये क्या कह रहे हैं यहां पे, कह रहे कि द मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए स्क्वायर एंड सर्कल इज 2, एंड आई सेड दिस इज 0, दिस इज 1, एंड दिस कैन बी 2 ऑल्सो, कि यहां पे आपके पास में ये है और यहाँ पे आपके पास में ये सर्कल है, तो ये 2 पॉइंट्स भी आ रहे हैं, मीन्स कि 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते, कोई जरूरी तो नहीं है, तो मिनिमम कितना जाएगा, 0 आएगा, तो ये क्या हो गया अपने पास में, रोंग हो गया, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है आपके पास, हाँ जी सेकंड क्या है, ये तो रोंग हो गया, सेकंड क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ स्क्वायर एंड सर्कल इज 8, कह रहे मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, तो अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो यहाँ पे देखो, अगर मान लो मेरे पास में ये स्क्वायर है, ठीक है, अब मेरा जो सर्कल है, सर्कल ऐसे भी हो सकता है, अगर हम देखें तो कितने पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट्स पे मीट कर रहे, मींस 4 हो गए, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, तो अब देखो हर एक एस भी कितने हैं, 2, 2, तो टोटल कितने हो गए, 4, तो मैक्सिमम कितना जा सकता है,
4, that means ki this will be the correct answer. The maximum number of the points of intersection of square and circle is 8. Okay, to ye correct hai. To answer kya jayega? Second only. डन. हाँ जी, आप अलग अलग साइड पे आपको इसका अलग अलग आंसर मिलेगा, बट कंसेप्चुअली सोचिए, लॉजिकली सोचिए आप, ठीक है. तो इसका आंसर क्या रहेगा? 2 ओनली आएगा, बिकॉज फर्स्ट के केस के अंदर क्या है कि आपके पास ऐसा भी तो यहाँ पे कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि हाँ जी स्क्वायर के अंदर सर्कल. अब ऐसा भी हो सकता है कि देखो ये स्क्वायर है, इसके अंदर सर्कल है, अभी भी कोई इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है, ठीक है ना. तो इसको ध्यान रखना कि हाँ जी जो मिनिमम है, मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ स्क्वायर एंड सर्कल इज 0, नॉट 2. ओके, यस. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लेट एक्स एंड वाई बी द वॉल्यूम्स, एम एंड एन बी द मासेस ऑफ टू मेटालिक क्यूब्स पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली. ईच साइड ऑफ क्यू इज 2 टाइम्स दैट पी एंड मास ऑफ क्यू इज 2 टाइम्स दैट ऑफ पी. क्लियर? तो यहाँ पे आपके पास क्या कह रहा है कि आपके पास में दो मेटालिक क्यूब्स हैं, दो मेटालिक क्यूब्स है, वन इज पी एंड द सेकंड वन इज क्यू. एक है पी, एक है हमारे पास में क्यू. देन अब यहाँ पे है एक्स एंड वाई आर द वॉल्यूम्स, एम एंड एन आर द मासेस ऑफ द पी एंड क्यू, एंड ईच साइड ऑफ क्यू इज 2 टाइम्स दैट ऑफ पी. ठीक है, तो पी की अगर मैं साइड की बात करूं तो साइड ऑफ पी अगर हम ले लेते हैं मान लीजिए ए, तो साइड ऑफ क्यू कितनी हो जाएगी आपके पास में? हाँ जी 2a. Then, अब यहाँ पे कह रहे हैं x एंड y आर द वॉल्यूम्स. तो अगर हम वॉल्यूम देखें तो इसका वॉल्यूम है x और इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा अगर हम साइड के अकॉर्डिंग देखें? तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या होता है? a क्यूब. तो वॉल्यूम आ गया, x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में? a क्यूब. अब इसी तरह से अगर हम यहाँ पे वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम क्या है? यहाँ पे वी वी में कंफ्यूज मत होना आप, ये अलग है, ये अलग है. दिस इज वॉल्यूम. यस, मैं लिख देती हूँ वॉल्यूम. डन. अगर इस केस में अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 2a का होल क्यूब, दैट मींस कि 8a क्यूब. ओके, अब उसके बाद में बात आ रही है मास की. इसका मास कितना है? m, और इसका मास कितना है? कह रहा है कि मास इज इक्वल टू n एंड दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ p. तो p का m था तो ये कितना? n इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं इसको? 2m लिख सकते हैं. डन. अब आगे और भी कुछ गिवन है आपके पास. कह रहे लेट u इज इक्वल टू m बाई एक्स. u इज इक्वल टू m बाई एक्स. एक्स क्या है? हाँ जी, x अभी हमने फाइंड आउट किया, x की वैल्यू क्या है? a क्यूब. सो यू कैन राइट इट m डिवाइडेड बाई a क्यूब. ओके, सेकंड है यहाँ पे ही एक पॉइंट क्या, एंड v इज इक्वल टू n बाई वाई. v इज इक्वल टू n बाई वाई. ओके, अब यहाँ पे आपके पास में पूछा क्या गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कि ये जो चार ऑप्शन है इसमें से कौन सी करेक्ट है. तो थोड़ा सा ऑप्शन को साथ में देखते हुए चलना है कि किन को कंपेयर कर रखा है. तो यहाँ पे हमने देखा कि u और v का कंपैरिजन है, सिर्फ 2 वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं. दैट मीन्स कि हमने सारा सारा किस में करना है? 2 वेरिएबल्स में. तो अब यहाँ पे देखो n किसके इक्वल है? 2m के. तो यहाँ पे मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? 2m. सेम वे y अगर हम देखें तो y की वैल्यू क्या है? वॉल्यूम क्या था इसका y? ठीक है, ये कितना है? 8a क्यूब. सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 8a क्यूब. ये हो गया आपके पास 4. दैट मींस कि 1/4 m डिवाइडेड बाय a क्यूब. अब देखो m बाय a क्यूब ये किसके इक्वल था? u के. दैट मींस कि इसकी जगह पे मैं क्या पुट कर सकती हूँ? u पुट कर सकती हूँ. v इज इक्वल टू 1/4 u. देन दैट मींस कि u इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास में? 4v. सो आंसर विल बी इक्वल टू u इज इक्वल टू 4v. बिल्कुल सिंपल है. हाँ जी, बिल्कुल क्लियर है. क्यूब यहाँ पे आपके पास में क्यूब है. क्यूब का जस्ट आपको वॉल्यूम पता होना चाहिए, और तो कुछ भी नहीं है. वॉल्यूम किसके इक्वल होता है? साइड की क्यूब के इक्वल. तो यहाँ पे साइड क्या थी? a. सो दिस इज a क्यूब. यहाँ पे साइड क्या थी? 2a. तो 2a का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8a क्यूब. क्लियर? यस. नेक्स्ट, अब कुछ इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन हम कर लेते हैं डिस्कस. इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन है. तो यहाँ पे देखिए क्या है. ए स्क्वायर फील्ड ऑफ 2 स्क्वायर किलोमीटर इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स ऑफ ए वॉल व्हिच कोइंसाइड्स विद द डायगोनल. हमारे पास में एक स्क्वायर है, ठीक है. इसको कह रहे डिवाइड किया, स्क्वायर फील्ड है
इसका एरिया गिवन है आपके पास में क्या, जहां पे भी आ गया ना आपके पास में स्क्वायर किलोमीटर, दैट मींस कि वहीं से आप समझ जाओ कि एरिया गिवन है, ठीक है। तो क्या है ये एरिया कितना है, 2 स्क्वायर किलोमीटर, डन। अब देखिए कह रहा है कि इट इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स बाय ए वॉल विच कोइंसाइड्स द डायगोनल, मींस कि इसको कैसे डिवाइड किया गया है, डायगोनली डिवाइड किया गया, डायगोनली डिवाइड किया गया। नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड द लेंथ ऑफ द वॉल, तो ये जो वॉल है हमारे पास में इसकी लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है। लेट्स कंसीडर दिस इज ए बी सी डी, नाउ वी वांट टू फाइंड आउट ए डी, ओके। अब सबसे पहले एरिया गिवन है तो मुझे पहले साइड पता होनी चाहिए, साइड पता होना चाहिए। साइड क्या होती है, एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर होता है, साइड का स्क्वायर होता है। सो दिस इज ए स्क्वायर, हम मान लेते हैं दिस इज ए, ठीक है। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो ए की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में, √2। सो दिस इज √2, दिस इज √2, सारे √2 है। दैट मीन्स व्हाट, कि अगर हमें डायगोनल फाइंड आउट करना, तो अगेन पाइथागोरस थ्योरम आप लगाओगे तो डायगोनल क्या आ गया आपके पास में, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर यहां पे क्या है √2, दैट मीन्स कि √2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस √2 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ओके। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 2 + 2 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 4 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट तो कितना आ जाएगा आपके पास में, 2। सो आंसर विल बी 2 किलोमीटर, ओके, क्लियर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा यहाँ पे हमने ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू आ रहे हैं, तो हमें लगता है कि हाँ जी 2 नहीं आएगा, ज्यादा आएगा कुछ है। तो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल है, एरिया गिवन है, सबसे पहले हमने साइड फाइंड आउट कर लिया, अगर हमें साइड पता है देन वी कैन फाइंड आउट द डायगोनल, डायगोनल इज इक्वल टू व्हाट, कि जो साइड्स हैं साइड्स का स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे हमारे पास साइड क्या है, √2 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर एंड होल स्क्वायर रूट, जब उसको सोल्व करोगे देन यू गेट 2 किलोमीटर, ओके। यस, नेक्स्ट देखिए, यस नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैन वॉक डायगोनली अक्रॉस द स्क्वायर लॉट, डायगोनली जा रहा है वो, ठीक है, हाँ जी। अप्रोक्सीमेटली व्हाट वाज द परसेंटेज सेव्ड बाय नॉट वॉकिंग अलोंग द एजेस, कह रहा है कि एजेस की वजह अगर वो ऐसे जाता है तो उसने कितना सेव किया है। तो अगर मान लो हम मान के चलते हैं ये है ए साइड, ये भी ए है, ये भी ए, ठीक। अब एक पर्सन यहां से यहां पे अगर डायगोनली जा रहा है तो डायगोनली कितना डिस्टेंस कवर करेगा, कितना डिस्टेंस कवर करेगा, हाँ जी ये देखिए ए ए, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अभी हमने वहां पे पीछे भी किया है, कितना आएगा अपने पास में, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट। वैसे भी सभी को ये पता होना चाहिए कितना होता है, √2a होता है, ठीक है। √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.41, ओके। इसको आप अप्रोक्सीमेटली हम इसको ले लेते 1.4a, ठीक है। अब वो कह रहा है कि अगर एजेस के अलोंग जाता है, तो एजेस के अलोंग अगर हम जाते हैं कितना डिस्टेंस कवर करेगा, देखो यहां से उसने यहां पे जाना है, ठीक है, पहले ये ऐसे गया ए, फिर यहां से ऐसे गया ए, दैट मीन्स कि 2a का डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। तो अगर डायगोनली जा रहा है तो फिर कितना उसने सेव किया, कितना सेव किया, 2a माइनस 1.4a, दैट मीन्स कि हम ले सकते 0.6a। अब यहाँ पे क्वेश्चन में साफ साफ गिवन है कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसलिए हमने यहाँ पे 0.6a ले लिया है, ठीक है। अब हमें परसेंटेज में फाइंड आउट करना है, तो सेविंग परसेंटेज क्या आ गई, कितना उसने सेव किया, 0.6a, ठीक है, कितने में से, 2a से, सो दिस विल बी 30%, ओके। सो आंसर विल बी 30%। यस, आई होप क्लियर है सभी को, किसी को कोई डाउट इसके अंदर। देखो अब बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे गए थे, तो उसी तरह से हमने ध्यान रखना है कि लॉजिकल क्वेश्चन एग्जाम में आए, लॉजिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन पे फोकस नहीं करना है, ओके। तो आई होप सभी को क्लियर है, हाँ जी। तो देखिए अगर इस तरह के क्वेश्चन आप इजीली कर पा रहे हो देन वेल एंड गुड, अगर आपको प्रिपेयर करना है मेंशुरेशन का पार्ट, तो इसके अंदर डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहां पे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएंगे माइक्रो कोर्सेज के अंदर,
ओके तो आप वहां से प्रिपेयर कर सकते हो मेंस्ट्रुएशन का सेक्शन। अगर आप इस पार्ट को स्किप करना चाहते हो देन तब भी कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बट ये देखिए कि दो क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए थे और मुश्किल भी नहीं है, तो क्यों स्किप किया जाए। ठीक है, थोड़ी सी ही तो प्रैक्टिस करनी है, थोड़ी सी ही तो प्रैक्टिस करनी है, तो आप इसको कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। अगर आपको माइक्रो कोर्सेज के अंदर अगर इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वहां से माइक्रो कोर्सेज में जाके आप उसको ले सकते हो। ओके सो इट वॉज ऑल फॉर टूडे। थैंक यू सो मच।